कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने सन 1839 में किया था। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कोशिका के कुछ मुख्य विशेषताएं और कोशिका के कार्य के बारे में बताऊंगा। कोशिका की मुख्य विशेषताएं। नंबर फर्स्ट, सभी कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। नंबर सेकेंड, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है यानी कि केंद्रक पाया जाता है। नंबर थर्ड, सभी कोशिकाओं में नाभिकीय अम्ल के रूप में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। नंबर फोर्थ, कोशिका के कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जीकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आदि बहुत सारे पाए जाते हैं। नंबर फाइव, सभी कोशिकाओं में नाभिकीय अम्ल एवं प्रोटीन संश्लेषण की विधि एक समान होती है। नंबर सिक्स, सभी कोशिकाओं में एक समान उपापचय क्रियाएं भी होती हैं। कोशिका के प्रकार, कोशिका दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को सरल संरचना वाली कोशिका भी कहते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसे जटिल संरचना वाली कोशिका कहते हैं। कोशिका के कार्य। कोशिका में पाए जाने वाला जीव द्रव्य जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, गति, जनन आदि क्रियाएं करता है। कोशिका एक कारखाने के समान है, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन सभी कोशिकांग के कार्य अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोशिका कला कोशिका की रक्षा करती हैं, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान किया जाता है, डीएनए अनुवांशिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो ज़्यादा ही पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।